And now the most impactful Agri Creator Award. This award goes to Lakshya Dabas. I invite his brother Mrinal Dabas to receive the award on his behalf. कृषि को लेकर इनोवेटिव टेक्निक से कैसे हम कृषि को समृद्ध कर सकते हैं, इसी पर काम करते रहे हैं लक्ष्य दबास। बधाई हो, आपका लक्ष्य सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से बुलाने के लिए प्रधान साहब। मैं मृणाल डबास, हम जैविक किसान हैं। देश की जरूरत जरूर थी 1970s में कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, लेकिन उसके बाद देश बढ़ा और आज देश की जरूरत जैविक खेती की है, जिसमें कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड हमारे खाने में जो जहर हम डालते हैं वो ना डाला जाए। इसी संदर्भ में हमने 30,000 से ज्यादा किसानों को अपने खेत में बुला के, हम जटखोड़ खेत से बिलोंग करते हैं जो दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पे है, बुला के कैसे जैविक खेती की जाती है, किस तरह कीटों से बचाया जाता है, उस संदर्भ में उनको सिखाया है। अगर हम सरसों का तेल निकालते हैं तो एक्सपेलर यूनिट नहीं, जो प्राचीन समय में कच्ची घानी का तेल हुआ करता था। अगर हम गाय पाल रहे हैं, जर्सी HF नहीं, जो हमारी देसी गाय है, गिर है, सहवाल है, थारपारकर है, राठी है, क्यों उसको भी हमें ज्यादा सेवा करनी चाहिए? उसके दूध में और उसका जो घी बनता है, क्या उसमें ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और हमारे शरीर के लिए क्यों वो ज्यादा जरूरी है? इसी संदर्भ में हमारा उद्देश्य रहता है। और देखिए लक्ष्य, आप स्वयं तो एक मिशन बोर्ड में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आज आपका यहां आने से इनको भी और देश को पता चलेगा कि ऐसे नौजवान, जबकि दुनिया कुछ अलग सोचती है, ये अलग सोच रहा है। लोग लक्ष्य की मजाक उड़ाते होंगे, क्या यार तुम ये गाय पीछे पड़े हुए हो, उसके बाद भी वो उसको समर्पित है। आप कभी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी से मिले हैं? नहीं सर, ये अवसर नहीं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार उनके साथ बैठिए। वो एक मिशन बोर्ड में ये नेचुरल फार्मिंग पर काम करते हैं, कुरुक्षेत्र में उनका एक फार्म भी है, और गुजरात में करीब उन्होंने 3 लाख किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले गए हैं, और जो उसके रिजल्ट आए हैं बहुत ही एनकरेजिंग है। दूसरा, लोगों में एक भ्रम है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू में इनकम का बहुत लॉस होता है, उसके कारण कोई किसान हिम्मत नहीं करता। नेचुरल फार्मिंग में लॉस नहीं होता है और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, एकरेज बढ़ता है। मैं चाहूंगा कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आचार्य देवव्रत जी से जरूर मिलिए, यूट्यूब पर उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं। जदि आपंको आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।